पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संभल जनपद की चंदोसी में रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल होने आए डॉक्टर वर्ग का बड़ा बयान, देश की आजादी में संघ का कोई सहयोग नहीं है। इस समय देश भर में रोजा इफ्तार पार्टियों की धूम मची हुई है। कल जुम्मा अलविदा की नमाज होने के बाद आज संभल जनपद की चंदोसी विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संभल लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान वर्ग के लिए एक रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि देश की आजादी में मुस्लिम देश भक्तों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जबकि देश की आजादी में संघ का कोई भी सहयोग नहीं था। वहीं लोकसभा चुनाव में गठबंधन की आशानुरूप परिणाम नहीं आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये चुनाव भी हिंदू मुस्लिम का हुआ, जिसकी वजह से हिंदू मतदाताओं का वोट गठबंधन को नहीं मिला। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री जी कृष्ण रेड्डी द्वारा आतंकवादियों के लिए हैदराबाद सबसे सुरक्षित जगह है सवाल पर उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब आप उनसे ही लीजिए जिन्होंने ये बयान दिया है। माननीय ये है कि जब इस किस्म के बयान दिए जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, जब मुसलमानों के खिलाफ बयान देंगे मुसलमानों को बात चाहे, ऐसे में तो आपके देवबंदी के जो भी आपके मुसलमान को या तो ये झगड़ा चाहता है, तरक्की चाहता है, अमन चाहता है, शांति चाहता है, देश की तरक्की चाहता है और मिलजुल कर रहना चाहता है। लेकिन हमें हमको मतलब ये जो हमारे हक है यहाँ जीने का वो नहीं दिया जाएगा, चाहिए समझे। और जहाँ दूसरे मामला है सबका बराबर का हक है, मुल्क सबका है, हमारा भी है, औरों का भी है, सबका है। तो ये कहना है कि मुसलमानों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, वो पाकिस्तान चले जाएँ, हम यहाँ पैदा हुए हैं, यही चार सौ करनी है, यही बोलना है, यही दस होना है जी। तो हमें कोई दिलचस्पी अपने मुल्क से है, हमें कुछ पाकिस्तान के घर से कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा सीधा सवाल ये था, आपने जैसे आपने सवाल किया मुसलमानों के साथ कितना जुल्म हुआ है, पिछली गवर्नमेंट ने कितना जुल्म किया मुसलमानों को, सड़कों पर घेर कर मॉब लिंचिंग के जरिए से मारा गया, कत्ल किए गए और बिलाव का हाल रही है, दुनिया भर की चीजें हो रही है, साफ सुथरा इंतजाम कर रहे हैं। उन सबका ये इनकी देखिए बीजेपी की किसी की ठेकेदारी, यहाँ पर हुकूमत जब भी बनेगी यही के मुल्क के लोगों की बनेगी, तो फिर कोई भी बने अगर ये सही काम नहीं करेंगे, 5 साल इसलिए दिए जाते हैं, अगर गवर्नमेंट सही काम नहीं करती है बदल के दूसरी आदमी बदल दो, दूसरी कोई पार्टी बदल दो, यही होता है। लेकिन इसके बावजूद भी बहरहाल हमें जीने का हक हो गए नहीं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, मैं पार्लियामेंट में पूछूंगा ऐसी बात नहीं। मेरा से सवाल आपसे ये था कि जो मुस्लिम पसमानदा बोर्ड ने जो लेटर जारी किया था उससे आप सहमत थे, वो तो उस हिसाब से सहमत हैं, बयान दिया है पर क्यों सहमति है उसका, वो बोर्ड लगवाना चाहते हैं वो हो जाने, वो उन्होंने बयान दिया, आप विधायक रहे हैं आपको ठीक है। मैं तो अपनी बात कहना चाहती हूँ मुसलमानों के साथ देश में, जो अभी प्रधानमंत्री का भी बयान आया कि यहाँ पर शोर वगैरह का माहौल पैदा कर दिया गया मुसलमानों के अंदर, मुसलमान भी हमारे भाई उन्हें भी कहा जीने का बराबर कहा, तो ये उन्होंने भी कहा कैसे क्या है। अच्छा एक मेरा सवाल ये है कि चुनाव से पहले जो अखिलेश जी हैं हमारे प्रधानमंत्री जो हुआ था उसमें सरकार मतलब के दावे किए जा रहे थे, ऐसे क्या समय का मतलब वस्तु एक क्या हुआ कि जो सामने परिणाम आया उसमें अच्छे परिणाम नहीं आया, इसको लेकर क्या कमी मानी जाएगी कि अखिलेश जी का फैसला गलत था। इसमें तो ये है कि लफ्ज़े हिंदू मुस्लिम के नाम नफरत के नाम पर एक वोट चला गया, हिंदू लॉबी ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर फिर वोट उनको कर दिए, अब बांट दिया, उस देश को बांट रहे हैं इस तरीके से। अरे भाई देश तो सबका है, सब मिलजुल कर काम करेंगे देश की तरक्की के लिए, देश की को आगे बढ़ाने के लिए। कम मुसलमान ने देश के लिए कुर्बानी दी है, जब हिंदुस्तान आज़ाद किया जा रहा है तो उसके लिए बताओ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने क्या कुर्बानी ना दी, क्या और दूसरे उलमा थे हजारों अपने फांसी के फंदे पर लटका दिए गए, लेकिन परवाह नहीं करी।
बताओ आरएसएस के लोग कहाँ थे? जब हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी तो आरएस कहाँ थी? आरएसएस का नहीं था, तो फिर मुसलमानों ने किस वक्त कुर्बानी नहीं की? जब फांसी के फंदे पर नहीं झूले, कौन सा काम नहीं किया? जेलों में नहीं, जेल नहीं काटी या कौन सी कुर्बानी मुसलमानों ने दी? मुसलमानों जब पड़ा वक्त तो गुलशन को लहू हमने दिया और बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। एक सवाल बार बार पूछा जाता है, अक्सर सुर्खियों में आता रहता है कि ये वंदे मातरम वाले बयान का हिंदी कायम है, वो बताएंगे कि बहुत तफसील से जानना चाहता हूँ उसका मतलब का मतलब है। तफसील उनसे पूछना माना यही मैंने पार्लियामेंट में कहा था, ये जब ये वंदे मातरम का वक्त आया तो ये कह दिया ये मैंने कहा था बल्कि सांसद जी, कल एक बयान आया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिन्होंने शपथ ली है कि जो हैदराबाद है वो आतंकियों के लिए बहुत सुरक्षित जगह है, इस पर आपका क्या कहना है? हैदराबाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का आया हुआ, किसी का कोई बयान आ रहा है तो उनसे पूछो।